नमस्कार विकास। इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी जानकारी देंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। पीएम किसान के पोर्टल पे एक नया अपडेट्स किया गया है। अब आपको 17वीं किस्त तक जो दिखता था वो आपको नहीं दिखेगा, यानी कि जो भी किस्त का आपका इंस्टॉलमेंट मिला होगा या आरएफटी या वेटिंग फॉर अप्रूवल होगा, सिर्फ उतना ही तक आपको दिखने वाला है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, हमने जैसे यहाँ पे अपने इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट किया, तो पहले क्या था कि किसी का भी रजिस्ट्रेशन कभी का भी हो, उसका 17वीं किस्त तक दिखाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अब जो भी मुझे इंस्टॉलमेंट मतलब कि पेमेंट रेट जो भी हमारा दिख रहा होगा, सिर्फ उसी का हमें दिखेगा। यहाँ पे 12वीं किस्त तक मुझे मिला हुआ, 12वीं किस्त ही मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। देखेंगे कि एफपीओ प्रोसीडियर्स पेमेंट रेटस, यहाँ पे 12वीं इंस्टॉलमेंट डन, यानी कि मुझे 13वीं 14वीं ये सब देखने का मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही सिर्फ है, अगर आप भी अपना स्टेटस को अभी चेक कीजिएगा तो ये 4-5 दिन से ये पीएम किसान के पोर्टल पे ये नया अपडेट्स किया गया है कि जिसका जो भी स्टेटस रहेगा पेमेंट स्टेटस में, सिर्फ वही स्टेटस आपको दिख सकता है, बाकी आपको अब स्टेटस नहीं दिखेगा। किसी का 10 स्टेटस होगा, 10 बार पेमेंट मिला होगा या आरएफटी या वेटिंग फॉर अप्रूवल जो भी कुछ होगा, वो सिर्फ उतना ही 10 बजे तक दिखाएगा। यानी कि अब आपको पूरा आपको स्टेटस मतलब कि आप चाहेंगे देखने के लिए मतलब कि 18वें इंस्टॉलमेंट 17वें जो भी हो वो आपको नहीं दिखेगा। जो भी इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे आप अगर आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट या आरएफटी होगा या पेमेंट डन का आपको होगा, ठीक है, तो सिर्फ उतना ही तक का आपका स्टेटस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए आपको देगा ऑप्शन। ठीक है, फिलहाल अभी के अपडेट के अनुसार जो नया अपडेट है बिल्कुल ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखेंगे कि मुझे पेमेंट्स मिला है 25/6/24 को, सिर्फ 12वीं किस्त का ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 13वीं चाहेंगे देखने के लिए तो अभी नहीं दिखेगा, जैसे ही वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट सब शो होगा 13वीं किस्त इंस्टॉलमेंट में, तब जाकर के मुझे 13वीं का यहाँ पे मुझे शो करने लगा सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सभी लोगों का पीएम किसान के बेनिफिशियरी ये अपडेट्स किया गया है, तो एक बार आप भी आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि पीएम किसान से संबंधित हर तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, आपका दिन।